मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक राम मंदिर का एक छोटा सा मॉडल बना के लाई हूँ। इसको मैंने कम से कम एक हफ्ते से बनाया है, बहुत मेहनत भी किया इसके ऊपर। कृपया आप सब मेरे चैनल को देखिए और बताइए ये मॉडल आप सबको किस तरह लगा है। चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल को मैंने किस तरह बनाया है इसका एक मेकिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, हम यहाँ सबसे पहले राम मंदिर का बेस बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड शीट पर उसका हम मार्क कर लेना चाहिए। मार्क करने के लिए मैंने सबसे पहले ही एक शीट में उसका जो नक्शा होता है उसको मैंने बना लिया था। उसी नक्शे को मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर रख के उसको सेम उसी तरह काटा है। मैंने यहाँ दो कार्डबोर्ड को काटा है, एक के ऊपर एक मैंने फेविकॉल डाल के चिपकाया है। ये मैंने बेस के लिए किया है और मैंने इसके साथ ऊपर उसका छत बनाने के लिए भी सेम साइज़ का मैंने कार्डबोर्ड एक के ऊपर एक चिपका के रेडी कर लेती हूँ। साइड में मैं यहाँ थोड़ा मास्को टेप से उस सबको अच्छे से कवरिंग कर लेते हैं कि जब हम पेंट करेंगे उस टाइम में हमें ये छेद ये सब ना दिखे। इसी ये छेद ये सब कवर होने के लिए हम मास्को टाइप का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम मास्को टेप को पूरे कार्डबोर्ड में उस यहाँ मैंने छत और बेस साइज़ एक ही साइज़ का रखा है और उसके नीचे का फर्च बनाने के लिए मैंने उसे 2 इंच ज़्यादा कार्डबोर्ड साइज़ का सेम डिज़ाइन में मैंने काटा हुआ है। उसको भी मैंने थर्माकोल की मदद से काट के बनाया है और यहाँ मैं खम्भे बनाने के लिए जो धागे का रोली होता है ये इसका इस्तेमाल किया है। ये आपको किसी भी टेलर के दुकान में आसानी से मिल जाता है। मैंने यहाँ उन सब को अच्छे से फेविकॉल से एक के पास एक चिपका लिया है खम्भे बनाने के लिए। यहाँ मैंने जो पिलर्स बनाने के लिए धागे का रोल को फेविकॉल की मदद से अच्छे से चिपका लेती हूँ। बीच में मैं एक चौकाकृति का भी एक बॉक्स जैसा बना के रख रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ 1 इंच थोड़ा सा खम्भे को काट के उसको 6 उसके पीछे की ओर डाल रही हूँ। जो चौकाकृति का उसके पीछे की हिस्से पे 6 मैंने खम्भा डाल लिया है और साथ ही साथ मैं यहाँ थोड़ा सा पेंट भी कर ले रही हूँ अंदर के हिस्से में। अंदर के हिस्से के पेंट होने के बाद आप देख सकते हो किस तरह ये दिख रहा है। ठीक इसी तरह करके ये क्या पहले मंजिल के जो फिनिशिंग था वो हो चुका है। इसके ऊपर हम अभी छत बना रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले ही नीचे का जो मेजरमेंट था उसी साइज़ का मैंने छत का भी मेजरमेंट रखा है। अभी हम यहाँ अच्छे से छत को मैंने यहाँ फिक्स कर रही हूँ। रखने से पहले एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, देख के फिर उसको हमें फिक्स करना पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा पेंट कर रही हूँ। और गोलाकृति बनाने के लिए तीसरा मंजिल भी बनाने के लिए हमें एक गोलाकृति और एक चौकाकृति का ज़रूरत होता है। मैं अभी उसी को यहाँ बना रही हूँ और अभी यहाँ चौकाकृति का भी एक बॉक्स में बना ले रही हूँ मैक्सो टेप की मदद से और फेविकॉल की मदद से मैं इसे अच्छे से चिपका रही हूँ। और जो रोली था खम्भे के लिए वो पिलर के शेप में मैंने डाल दिया, बीच में एक चौकाकृति रख दिया और ठीक इसी के ही बीच में मैंने एक गोलाकृति का को भी अच्छे से फेविकॉल डाल के चिपका लेती हूँ। इसके ऊपर हमने जो तीसरा मंजिल था तीसरे मंजिल के लिए आधा काट के हम मैंने कार्डबोर्ड शीट को रखा था उसी को मैं अभी यहाँ कर रही हूँ। तीसरे मंजिल के लिए भी सेम उसी तरह प्रोसेस होता है जो पहला और दूसरा मंजिल का था। इसके बाद मैंने चौकाकृति में जो गोपुर का मैंने बनाया था ठीक उसको भी एक एक करके मैं यहाँ चिपका रही हूँ। आप देख सकते हैं इसी तरह के बॉक्स शेप में आप 2 या 3 बना के
अच्छे से डाल सकते हैं। उसके ऊपर नीचे भी हमने, उसके पीछे भी हमने चार पिलर डाल के उसके ऊपर एक षटकोण आकृति का पिलर्स हम लगा रहे हैं बॉक्स शेप में। मैंने जो कार्डबोर्ड शीट का उसको काट के लगाया। इसके पीछे हमने फिर से चार पिलर लगा के जो चौकाकृति का था बॉक्स शेप में जिसको हमने काटा था उसको एक के ऊपर एक करके चिपका लेते। ये मैंने पूरे छः बनाए हैं। ठीक इसी तरह अच्छे से फेविकॉल डाल के एक के ऊपर एक चिपका लेना है। इसको चिपकाने के ऊपर जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है आप देख सकते हो किस तरह मैंने एक के ऊपर एक चिपका लिया है। फेविकॉल की मदद से डालना है इसको। अभी ऊपर के हिस्से में भी इसी तरह एक के ऊपर एक फेविकॉल की मदद से हमें जो बॉक्स शेप में हमने काटा था उसको बनाया था उसको डालना होता है। इस तरह बना के अच्छे से हमारा जो मंदिर था उसका एक लुक क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हो कैसे लग रहा है। इसके बाद हम अच्छे से इसको सूखने के लिए 2-3 मिनट देना पड़ता है। यहाँ मैंने पेपर की मदद से स्वर्ण कलश बनाने की कोशिश किया है। पेपर को अच्छे से फोल्ड करके उसको इस तरह गोला गोल बना के हम बना सकते हैं। इसको अच्छे से बना के मैंने इसके ऊपर गोल्डन पेंट का पेंट किया है। हमने कितना बनाया था स्वर्ण कलश उन सबको गोल्डन पेंट करना है। इसके ऊपर हम फिर से एक बॉक्स शेप में काट के जहाँ जहाँ गैप था वहाँ पूरा इसको फिक्स करना है। यहाँ हम गुंबज बनाने के लिए मैं यहाँ आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ, आप भी इसे ठीक उसी मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ मैं मैस्को टेप के मदद से एक एक को भी अच्छे से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद मैंने थर्मोकोल का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको अच्छे से इस तरह चिपका लिया। मैंने यहाँ कुछ आकृतियाँ बना के डाला है, आप चाहिए तो वैसे भी छोड़ सकते हो मगर आकृति बनाने से वो थोड़ा अच्छे से सुंदर सा दिखता है। मैंने यहाँ राउंड शेप में किया है, चौका शेप में किया है, डायमंड शेप में भी है। अभी हमारा गुंबज का तैयार हो गया। गुंबज बनाने के बाद ऊपर भी हमने यहाँ एक राउंड आकृति से बना लिया है। देख सकते हैं अभी हमने पूरा करने के बाद कैसे लग रहा है। यहाँ मैंने यहाँ साइड पिलर दरवाज़ा खिड़की ये सब बनाने के लिए जो पेपर होता है उसको मैंने अच्छे से काट के, ये भी एक तरह थर्मोकोल का ही पेपर है, थोड़ा सा नरम होता है, इसको अच्छे से काट के मैंने उसके साइड में 3 मंजिल में भी डाला है। और यहाँ मैंने ब्राउन कलर का कलरिंग यूज़ किया है जो टेंपल को पूरा कलर करने के लिए। आप यहाँ चाहिए तो किसी भी रंग का यूज़ कर सकते हैं, क्रीम, येलो, लाइट ब्राउन, किसी भी रंग का कर सकते हैं मगर मैंने यहाँ डार्क ब्राउन का यूज़ किया है। अंदर की ओर करने के लिए मैंने लाइट ब्राउन का यूज़ किया है। अभी देख सकते हो हमारा अच्छे से पेंटिंग कंप्लीट हो गया। पेंट कंप्लीट होने के बाद जो फ्लोरिंग था वहाँ के लिए मैंने थोड़ा सा थर्मोकोल को पीस पीस करके उसको फेविकॉल की मदद से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा ग्रास का फीलिंग आने के लिए अच्छे से ग्रीन रंग से मैंने उनको ग्रीन रंग से पेंट किया है। आप यहाँ देख सकते हो मैं लेस की मदद से, जो हमारे घर में गोल्डन लेस होता है ठीक उसी लेस की मदद से मैंने यहाँ टेम्पल को अच्छे से सजा रही हूँ। दोस्तों आखिर में मैं यहाँ गोल्डन लेस से सारे जो मंदिर के गोपुर थे उन सबका अलग डिज़ाइन बना रही हूँ।
आप चाहिए तो किसी भी प्रकार का यहाँ लेसेस यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ गोल्डन लेस यूज़ किया है। इसके साथ मैंने कुंदन स्टोन से छोटे छोटे से डिज़ाइंस बना के फेविकॉल की मदद से मैंने लगाया है ऊपर और नीचे। फेविकॉल की मदद से मैंने कुंदन स्टोन को अच्छे से चिपकाया है यहाँ, और नीचे जो हमने फ्लोर बनाया था उस फ्लोर के लिए मैंने यहाँ ग्रीन रंग का एक लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रीन मैंने यहाँ इसलिए किया है कि ग्रास का थोड़ा बहुत लुक आने, फील और लुक आने के लिए मैंने यहाँ ग्रीन रंग का इस्तेमाल किया है। आप चाहिए तो किसी भी रंग का लेस का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ मैंने कमल का फूल बना रही हूँ। कमल के फूल के लिए मैंने एक पेपर में अच्छे से कमल का आकृति काट के उसके ऊपर मैंने पिंक कलर का कलरिंग कर रही हूँ। पिंक और ग्रीन लीफ में ग्रीन कलरिंग कर रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने मंदिर के सामने के लिए मैंने ये बनाया है। चाहिए तो आप यहाँ की कुछ और भी डिज़ाइंस कर सकते हो। मैंने यहाँ 3 कमल का फूल बनाया है और साथ में एक छोटा 2 छोटे छोटे पिल्लर्स भी बनाए हैं। कमल के फूल के लिए मैंने एक राउंड शेप में गोल्डन टेप गोल्डन पेपर की मदद से मैंने उसको चिपकाया है। और यहाँ हमने जो स्वर्ण कलश बनाए थे उसको मैंने यहाँ टेम्पल में सजा रही हूँ। स्वर्ण कलश रखने के बाद आप देख सकते हो कि टेम्पल का जो पूरा लुक था कितना सुंदर दिख रहा है। अभी जहाँ जगह था वहाँ मैंने स्वर्ण कलश को यहाँ रखा है। दोस्तों आप चाहिए तो जहाँ मैंने अभी जो कमल का फूल किया है वहाँ आप शंकु चक्र इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विष्णु का जो रिलेटेड होता है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ झंडा भी बनाया है। एक मैंने ऑरेंज रंग का झंडा बनाया और एक रेड कलर का। लाल रंग का झंडा को मैंने सबसे ऊपर वाले बड़े गोपुर में डाला है गुंबद।